रिलीफ फंड में करोड़ों करोड़ रुपया है। बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत सारे किसान, बहुत सारे जवान, बहुत सारे बच्चे कुपोषण से, बीमारी से मर रहे हैं। बुखार हो रहा है, मलेरिया हो रहा है और तरह तरह की बीमारी हो रहे हैं, लेकिन वो रिलीफ फंड का पैसा एक रुपया नहीं निकलेगा। क्या पता वो जो है बैक डोर से वो चुनाव के लिए, चेहरे के प्रचार के लिए खर्च हो रहा हो। आज हमारे इलेक्ट्रो बॉन्ड से पार्टियों को करोड़ों रुपया जो कॉरपोरेट पार्टियां देती है, वो शर्म करनी चाहिए, वो जनता को में खर्च होना चाहिए, लेकिन वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर अहरा नेशनल पार्टी का सरकार आएगी तो सबसे पहले हम पेंशन देंगे, इनकी सम्मान देंगे, और जो कॉरपोरेट कंपनियां जो बड़े बड़े पार्टियों को दे कर करके चंदा और धंधा कर करके धंधा कर रही है, लोगों को लूट रही है और महंगाई बढ़ा रही है, उनको अंकुश लगाया जाएगा, उनकी कंपनियों की गर्दन मरोड़ दी जाएगी, और जितने भी पार्टियां हैं उन तमाम लोगों ने जो देश को लूटा है, जो ब्लैक मनी जमा किया है और उन लोगों ने हमारे खून चूसा है, उनकी खून चूसेंगे, उनकी तमाम पैसे, उनकी तमाम चल अचल संपत्ति को जब्त कर करके जनता में बांट दिया जाएगा। ये डॉक्टर दुआ का वादा है। डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी जो जनता का पार्टी है, एक परिवार का पार्टी नहीं है, ये एनपी मानवता पे आधारित है, और ये दिल्ली के 70 के 70 और बिहार के 243 हम उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, हमें जवानों का साथ चाहिए, हमें महिलाओं का साथ चाहिए, और इन तमाम लोगों के लिए हम इनकी मुस्तकबिल, इनकी भविष्य को सुंदर बनाएंगे। और जो आपने कहा कि जो 70 साल से ऊपर या जो है ऊपर चले गए, भगवान प्यारे हो गए, उनका क्या होगा? जो इनका पैसा इन्होंने खाया है, इनकी बद्दुआएं लगेगी, और वो भी पैसा हम निकाल करके इनके परिवार जनों में हम बांटेंगे, इनको लोगों को देंगे ताकि इनको राहत मिले। पैसा की कमी नहीं है, हमारे कहां धन दान की कमी नहीं है, हमारा विचार गलत है, हमारी सोच गलत है, और जिसकी वजह से आज हम लोग जो है अपने आप को जो है कपड़ा तो पहन रखा है, लेकिन हम अंदर से खोखले हो गए हैं, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, और यही सरकार चाहती है कि हम बेबस रहें, लाचार रहें, गरीब रहें, अशिक्षित रहें, बीमार रहें, असुरक्षित रहें, ताकि ये अपना राज चलाते रहें। तो ये अब नहीं होगा। हमारे बदन में जितने भी जान बचे हैं, हमारे नौजवानों में, हमारे बुजुर्गों में, हड्डियों में भी अभी काफ़ी दम है, और वो हड्डी कड़कड़ाता हुआ वो जब टकराएगी तो एक जन आंदोलन होगा, एक विरोध होगा, और उसमें ये तमाम चोर उचक्के हवा में उड़ जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और भस्म से बचना है बीजेपी को, भस्म से बचना है एनडीए और इंडिया को, तो मानना होगा कि इनके बुजुर्गों का पेंशन और इनके हक अधिकार, और जो आपने फिर से वादा किया है कि मैं सहारा के निवेशकों को पैसा दिलवा दूंगा, पैसा मिल जाएगा, वो भी आप जुमलाबाजी करके लोगों को भटका रहे हैं। तो जो जनता का पैसा है, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, आपसे हम लोन नहीं मांग रहे हैं, लोन आप बड़े अपने साथियों को करोड़ों रुपया माफ कीजिए, उनको बढ़ाइए, हम नहीं मांग रहे हैं लोन। हम तो 10 रुपया के और 100 रुपया अगर हम कहीं से लोन लेते हैं, हम ऋण लेते हैं, तो उस पे हमारा अंकुश डंडा पड़ता है, और हमें 100 की जगह 500 देना पड़ता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा, मेरा पेंशन का पैसा कहाँ गया? मोदी जी, मोदी जी आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बुजुर्गों का जो बहुत ही मुश्किल में जी रहे हैं, उनका सहारा बनिए, उनका जो है पेंशन और जो उनका इन्वेस्टमेंट है सहारा में और बाकी जगह, उन तमाम पे आप तत्काल प्रभाव से उस पे एक्शन लेते हुए उनको रिलीज कीजिए। आपने कहा है, आपने वादा किया है, आप उसे पूरा कीजिए। आपने कहा है कि 2006 से पहले और 2006 के बाद जितने भी पेंशनधारी की मांग है, उन सबको हम मानेंगे, 7500 देंगे, डीए देंगे, आप हम मेडिकल फैसिलिटी फ्री में देंगे, तो दीजिए ना मोदी जी, कब देंगे हम? बाकी बचे हुए जब हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे, तो आप जो है गंगा में आरती उतार करके, आप जो है हमारे पिंड दान कर करके, तब हमें पेंशन देंगे क्या? कब देंगे? दे दीजिए मोदी जी, यही आरजू है, यही विनती है, बस इतना ही।